तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वो भी फ्यूल वन का, जिससे कि आपके बहुत बेनिफिट है। ये आपकी स्ट्रेंथ और पावर को बूस्ट करेगा, आपके लीन मसल मास को बढ़ाएगा और आपके मसल एंड्योरेंस को भी बढ़ाएगा। और काफ़ी भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप कौन सा प्रोटीन यूज़ करते हो, तो मैं यूज़ करता हूँ फ्यूल वन का वेमैक्स प्रोटीन। इसमें पर स्कूप में आपको मिल जाएगा 27 ग्राम प्रोटीन, जिससे कि आपकी मसल अच्छे से रिकवर हो जाएगी। तो इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर लेना और मुझे बताना, रिव्यू देना कि कैसा लगा आपको प्रोडक्ट। ठीक है, मैं पर्सनली भी फ्यूल वन के ये दोनों प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम सभी को। भाइयों कुछ भी हो जाए जिम नहीं छोड़नी। तो आज हमारा बल्किंग डे सीरीज का डे 11 और अभी बज रहे सुबह के 6 और ये मैं सोच रहा हूँ शाम के 6 बज रहे हैं, मेरी आंखें बता रही होंगी और बाहर थोड़ी गली भी दिखा देता हूँ। भाई फोन भी फिसल गया था, अभी बच गया फोन तो। पूरी गली खाली पड़ी है, पूरी गली खाली पड़ी है, बाहर कोई शोर नहीं है, पीछे जो नॉइस आ रही है उसको इग्नोर करें ना, और चलते नीचे चल के पानी पीऊंगा पहले तो मैं। तो भाई फिलहाल तो मैं पी रहा हूँ पानी, इसको गुनगुना करेंगे जब पियेंगे, ठीक है। ये अंदर से पूरा क्लीन कर देगी, जो रात का खाया हुआ है सब कुछ क्लीन हो जाएगा। फ्रेश व्रेश होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी कम से कम इतना पानी तो मैं पी जाऊंगा, अभी समझे, इतना पानी पी सब पी जाना चाहिए। तो इसको पीते हैं, इसको थोड़ा गुनगुना होने देते हैं जब तक एडिट कर लेता हूँ वीडियो बैठ के, जो मुझे डालनी है भी। तो भाई अब पानी तो गर्म हो गया है, कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया मैंने, गुनगुना करना था वैसे तो, कोई नहीं इसमें मिक्स कर लेते हैं आधा आधा करके, गर्म ज़्यादा हो गया। तो गाइस पानी पिए हुए मुझे हो गया आधा घंटा और अभी खा रहा हूँ पपीता, पपीता खा लेता हूँ। तो गाइस अपना प्रोडक्ट आ गया और जो मैं कह रहा था माइक आएगा ठीक है, वो माइक आ गया और मम्मी ये पैसे गिन रही है, क्योंकि मैं काफी दिनों पैसे निकाल के लाया था बैंक से, ठीक है। आज इस पैसे को दे देते हैं और माइक ले लेते हैं अपना, आपको दिखाते हैं और अनबॉक्सिंग वहीं वहीं कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में कोई घपला नहीं होना चाहिए, कुछ पता नहीं है कर देते यार बंदे। ये डब्बा खुला हुआ कैसे है? ऐसे आया था, वो टीम बताओ। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। कोई दिक्कत होगा तो हाँ वो हो जाएगा, वो तो हमारा हो जाएगा खैर वापस। हाय राम राम, क्या मंगाया? ऑर्डर हो जाएगा ये। बर्ड्स मंगाएगा? नहीं नहीं बर्ड्स नहीं है, तो ये माइक है। वारंटी कितनी है? एक साल की। देख अंदर दो माइक का वायर देख, अंदर मुझे वायर में देखनी है। ठीक है। ये उंगलियों के निशान है गाइस, इस पे देखो, ये यहाँ पे उंगलियों के निशान है, इस पे इस साइड पे बने हुए हैं, दिख रहे होंगे। वैसे नया आना चाहिए था बोला पूरा, अब चेक करके देखते हैं चलेगा तो ठीक है, कैसे चलता है जो भी पता पड़ेगी। तो भाई 30 ml की चेरी कर लेते हैं, ठीक है। फ्रूट और पानी तो हो गया था, 30 ml, इसमें मैंने अभी 3 आलू उबाल दिए और थोड़ी दही डालूंगा इसमें, हल्का सा नमक, काला नमक तो है नहीं तो अभी वही नमक डालूंगा, काला नमक लेके आऊंगा मैं और वाला नमक छोड़ूंगा, ठीक है, और फिर इसको खाएंगे। तो भाई इसको रख देते हैं फटाफट से गैस पे चढ़ा देते हैं इसे, ठीक है। से थोड़ी देर बाद मिलेंगे, इससे ढक देता हूँ इसको मैं, हो रहे हैं गर्म अभी, आलू उबल रहे हैं। तो भाइयों अभी मैं खा रहा हूँ अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट ये, ठीक है, और काफी ज्यादा हाई प्रोटीन हाई कार्ब्स है, इसकी मैंने रील भी बना दी है,
वही मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी इसके अंदर मैं बता दूं आपको क्या है, प्रॉपर से बता दूं। आलू है एक, एक टमाटर, थोड़ी सी मूंग दाल, थोड़े से चने और उसमें नमक, काला नमक डाल सकते हो, सफेद नमक मेरे पास था नहीं। इसमें ये डब्बा है माई फिटनेस का ढक्कन लगा रखा है, पिंटोला का ढक्कन है वो डब्बा है, क्या बोल रहा हूँ, ये माई फिटनेस का ढक्कन लगा रखा है, पिंटोला का डब्बा है और इसके अंदर नमक है फिलहाल, है ना। ये मम्मी करती है ऐसे काम। तो भाई प्री वर्कआउट में मैंने आलू दही ले लिए, ये रे आलू दही ले लिए अभी, और ये खा के जल्दी से निकलते जिम। आज पुश डे तो पुश डे में मुझे लगाना है चेस्ट और ट्राइसेप्स, तो अभी पहले पुशअप्स ले लेता हूँ। सबसे पहले पुशअप्स लेने मुझे 100। तो भाई पुशअप्स पूरे हो गए, पुशअप्स के बाद लगानी मुझे फ्लैट बेंच प्रेस, तो फ्लैट बेंच प्रेस पे चलते हैं। तो भाई 15-15 किलो लगा दिए, 15-15 किलो से वार्म अप सेट लेना 20 रैप के, चीता ही कहते हैं। तो भाई ये पहला सेट है मेरा, और पहले सेट में मैंने लिया 60 किलो से, 60 किलो से लेने मुझे 8 रैप। तो भाई ये मेरा दूसरा सेट है, इसे मैं ले रहा हूँ 70 किलो से, इसके भी मुझे 8 रैप लेने हैं। भाई अपना लास्ट सेट है 80 किलो से, इसके भी 8 रैप लेने, पिछले के 10 ले लिए थे, देखते हैं इसके भी बढ़ा सकेंगे तो बढ़ा देंगे। तो भाई ये लास्ट सेट है, इसमें देखते हैं कितना पीआर आता है, पीआर सेट है मेरा, कितने रैप से निकाल सकता हूँ मैं। तो भाई 50 किलो से है अपना पहला सेट, इसके कोशिश करता हूँ 10 रैप तो निकल जाए कम से कम। तो भाई ये सेकंड सेट है अपना, दूसरे सेट में 60 किलो से लिया है, इसके भी 8-10 रैप निकालने भाई। ये आखिरी सेट है अपना, आखिरी सेट के भी देखते कोशिश करेंगे, 8-10 रैप निकला है अभी, रैप इतने रख रहे हैं और वेट बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं बस। बैगन भाई ने बाल बना लिए हैं। एक, दो, तीन, चार और बस, पांच, छह, सात, ओ मर गया। तो भाई अपर चेस्ट केबल फ्लाई लगा रहा हूँ मैं, और इसका ये पहला सेट है, इसके 8 रैप लेंगे। सात,
8। तो भाई अपर चेस्ट केबल फ्लाई का ये दूसरा सेट है मेरा, इसके भी 8 रेप लेने हैं। और ये जो मैं एक्सरसाइज लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं ट्रिपल लेट एक्सरसाइज, ठीक है। ये कंपाउंड मूवमेंट है जो कि हमारे मसल को बढ़िया से कंडीशन में लाता है, ठीक है। इस रूटीन को आप भी फॉलो कर सकते हो और अच्छी गेनिंग कर सकते हो, गेनिंग के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, ठीक है। मतलब ये पूरा रूटीन जो मैं लगा रहा हूँ, पहले प्लेट बेंच प्रेस लगाई, फिर इंक्लाइन लगाई, डिक्लाइन तो अभी खैर नहीं लगाऊंगा क्योंकि डिक्लाइन की कंडीशन अच्छी है, लोअर चेस्ट की कंडीशन अच्छी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं लगा रहा हूँ पहला सेट अपना ट्राइसेप पुश डाउन का, जिसमें कि मैं ले रहा हूँ 45 किलो से और फुल हैवी हैवी ले लूंगा इसमें। आज थोड़ा लेट आया हूँ क्योंकि माइक टेस्ट चल रहा था घर पे, भाई कैसी आवाज आएगी कैसी नहीं आई कुछ पता नहीं है। इसे भी 8-8 रैप ही लूंगा मैं नॉर्मल, क्योंकि हमारा सेट ही यही है ट्रिपल 8, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग में रैप बढ़ा भी लेता हूँ थोड़े से, पर हाँ 8 रैप तो कम से कम लगा नहीं है। और मैं ले रहा हूँ इसमें 60 किलो से, सेकंड सेट है मेरा 60 किलो से, तो इसके भी 8 रैप लेता हूँ कम से कम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद लास्ट सेट अपना ऐसा पुश डाउन का, उसके बाद बॉडी की कंडीशन चेक करेंगे और घर निकलेंगे डायरेक्ट। शोल्डर मैंने लिया नहीं, कोई नहीं पुल लिया, कल शोल्डर ले लूँगा बैक के साथ। लास्ट सेट लगाते हैं, ठीक है। ऐसा पुश डाउन का जो कि है 65 किलो से या 68 किलो से, चिटनी ले ली समझ नहीं आ रहा। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई, एक एक्सरसाइज करते हैं ट्राइसेप की, पूरी जिम भी मुझे करनी है अभी रिरैक, और फिर उसका चलते हैं घर। भाई लास्ट एक्सरसाइज मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं लगा रहा हूँ डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अभी 17 किलो से लगा दूँ पहला सेट, फिर 20 किलो से, फिर 25 किलो से, ठीक है। और सबके हम 8-8 रैप लेने वाले हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 रैप ले लिए भाई इसके, ठीक है। अब 20 किलो लेते हैं, अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड सेट अपना जो कि 20 किलो है, लेते हैं इसके भी रैप। 1, 2, 3, 4, 5, 9 रैप है इसके 20 किलो से। लास्ट सेट लेते हैं अपना 25 किलो से और एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट, ठीक है। फिर जेड पैड निकलेंगे घर, टाइम उतर हो जा रहा बहुत। प्री वर्कआउट में मैं खा के आया था आपको पता है आलू, घर पे एक फंक्शन भी है तो वहाँ भी चलना है। फिर रात को प्रोटीन पिएंगे, सो जाएंगे, कल की दिन की शुरुआत करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कंप्लीट, चलते घर और आपको पहले पोजिंग दिखाता हूँ और कंडीशन देखते हैं कैसी बॉडी की भी। तो भाई अब चेक करते हैं कंडीशन। तो भाई ये है चेस्ट की कंडीशन फाइनली, रेट करना कैसी लग रही कंडीशन। तो भाई अभी घर आ गए हो, और तो ये सब्जी है आलू गोभी की और मटर पनीर की और चावल रहता, अब इसे खाता हूँ और अपनी डाइट पूरी करता हूँ और उसके बाद थोड़ा बाहर बार जाऊंगा, देखते हैं। काफी लेट भी हो गया शायद, जागरण बता रहे हैं कि बंद हो चुका है, अभी खत्म होने वाला है जागरण, तो शायद ही जाऊंगा, देखता हूँ, बात करता हूँ मम्मी से और पूछता हूँ मम्मी क्योंकि वहीं पे ही है, प्रोग्राम बना दो। सो गाइस अभी निकल गया हूँ मैं खाटू श्याम बाबा के दरबार के पास, तो अभी रास्ते में फिलहाल हम जा रहे हैं इस बाइक से जो कि भैया की है, पहुंचते हैं और फिर वहीं पे दिखाते हैं आपको क्या क्या सीन है। सामने देखो,
गाइस अभी आ गया हूँ मैं और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही ब्लॉग्स बढ़िया बढ़िया मिलते रहेंगे आपको। आपको माइक का साउंड कैसा लगा ये बताना, क्योंकि आज मैंने माइक से रिकॉर्ड करा है जिम में। पीछे जो गाना चल रहा था बहुत तेज चल रहा था, आज तो कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रहे, नींद बहुत ज्यादा तेज आ रही है। जय श्री राम सभी को। भाइयों कुछ भी हो जाए जिम नहीं छोड़नी, कर लेंगे क्वेश्चन के जवाब, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन।